ये देखिए भाई लोग, मेरी बीवी उल्टा काम कर रही है। पालक को पहले धो देना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। तो मेरी बीवी पहले काट दे रही है, उसके बाद धो रही है। देखिए इसमें का जो विटामिन था वो सब निकल जाएगा यार बबीता जी। क्या यार, आप उल्टा काम करती हैं यार, इसका सब विटामिन निकल जाएगा। हाँ। देखिए भाई लोग, पानी एकदम ग्रीन हो गया ना, पूरा विटामिन निकल गया इसमें का, पूरा विटामिन निकल गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से ब्लॉग में। और आज हम बनाने वाले हैं पालक और प्याज की पकौड़ी। ये देखिए भाई लोग, बबीता जी क्या कर रही हैं। बबीता जी इसको काट रही हैं। बबीता जी काटिए, अरे हथवा ना कट जाए जी, आराम से काटिए। वो हंसुआ नहीं है, हंसुई है, साला बकुले के टोड़ जैसा हंसुआ है वो। देखिए भाई लोग, बकुले के टोड़ जैसा हंसुआ है वो। उधर मेरा बेटा पकौड़ी निकाल रहा है बेटा मेरा, पकौड़ी बन गया, पकौड़ी बन गया, पकौड़ी निकाल रहा है उधर। अरे मत डालना यार, मत डालना यार, ऐसे ही बेसन डालना है उसमें, मत डालना यार। रहने दो यार बबीता जी, रहने दो यार, इतना तो बहुत है बबीता जी। हाँ रहने दीजिए, बहुत है यार उसमें, बहुत है। और भाई लोग, पालक में इस प्याज को मिक्स करेंगे, इससे टेस्टी बनेगा पकौड़ी। क्यों बबीता जी, इसको बारीकी से काटना पड़ेगा ना इस प्याज को। ठीक है, लीजिए काटिए। पालक और प्याज दोनों एक ही में मिक्स करके उसका पकौड़ी तलेंगे आज। अरे भाई लोग, मैं पालक का पकौड़ी खाया हूँ, बट उसमें वो क्या बोलते हैं, प्याज डाल के मिक्स करके नहीं खाया हूँ ऐसा कभी। बबीता जी फर्स्ट चांस बना रही हैं ऐसा, पालक और प्याज एक ही में दोनों मिक्स करके, ऐसा कभी बनाई है बबीता जी? बहुत बना ली मैंने, टेस्टी होला। ठीक है, बनाइए, देखते हैं कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, टेस्टी होता है या नहीं होता है। नहीं होगा टेस्टी तो मिस को दे, सही को दे हम ऐसा मुआ मिला दे, तब बुझैबा नहीं करी, ऐसा मुआ दिया नहीं तो पालक बा। ये देखिए भाई लोग, कितना अच्छा धूप हुआ है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये है मेरा गांव एंड विलेज। देखिए बबीता जी तैयार कर रही हैं पकौड़ी छानने के लिए। यार बेसन तो कम ही लग रहा है यार बबीता जी, हो जाएगा उतने में, बहुत है ना, हमें तो लगता है बेसन कम पड़ेगा। बबीता जी बेसन तो कम पड़ेगा या हो जाएगा? कम पड़ेगा ना, तो मैं पहले ही बोला ना, पालक को उतना मत काटिए यार, पकौड़ी का मतलब पेट भरना नहीं होता है। बस दो दो चार चार खा लिया बस हो गया, 10 और मंगा देगा बेसन वहाँ। बीस रुपए का बेसन हो जाएगा ना, लेके आओ लेके आओ, फटाक से लेके आओ, इसमें बेसन कम हो गया। ये भाई लोग, मेरी बिटिया मेरे को मार रही है, मेरे को मार रही है। मैं नहीं खोलूंगा। ये देखिए हमारी बिटिया हमको मार रही है, ये देखिए ढकेल रही है मेरे को, ढकेल रही है मेरे से, झगड़ा कर रही है। हम नहीं खोलब। अरे यार मार रही है यार बबीता जी मेरे को, हम नहीं खोलूंगा यार, जाओ, मैं नहीं खोलूंगा। तो देखिए भाई लोग, इसमें 10 का बेसन डाले थे, कम पड़ गया, फिर 10 का बेसन इसमें डाल रहे हैं। क्यों बबीता जी? 20 का बेसन पड़ गया इसमें, अब 10 का पालक पड़ गया। ये देखिए भाई लोग, मटेरियल तैयार हो चुका, अब बबीता जी जा रही हैं तलने पकौड़ी। क्यों बबीता जी? हाँ चलिए तलिए तलिए, फटाक से तलिए। ये देखिए भाई लोग, बबीता जी पकौड़ी तलने लगी। वाह कितना सुंदर लग रहा है यार देखने में, कितना अच्छा तल रहा है यार, है कि नहीं? कितना अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। देखिए गुस्सा कर रही है कैसे, पागल कहीं की लड़की, गंदी लड़की, बहुत मार मारूंगा। ये देखिए बंदर भी आ गया अपना, अरे यार छोड़ यार हट। देखिए ना यार बबीता जी परेशान करते हैं सब ये दोनों यार, अरे अरुषि पलटी मारिए, पलटी मारिए बबीता जी, पलटी मारिए, पलटी मारिए, कल्टी मारिए, पलटिए उसको, पलटिए। जाओ यार, तुमको कोई रोका भी नहीं है बढ़िया, जाओ नीचे से, नीचे से कचौरी प्लेटा लेके आओ, जाओ
नहीं जाओ यार, नहीं अभी हम डांटा नहीं यार, नहीं डांट रहा हूँ, जाओ जाओ लेके आओ, जाओ कचौरी लेके आओ, उसके बाद खाओ। ये देखिए भाई लोग, गांव देहात का देसी चूल्हा है ये। गांव देहात का देसी चूल्हा है। इसको क्या नाम बोलते हैं? चूल्ही। इसको बोलते हैं चूल्ही। ये देखिए भाई पकौड़ी तैयार हो गया। देखिए लीजिए माता जी, चेक करिए तो, देखिए कैसा है। अंश खाओ, उसको चेक करो। मेरी माता जी चेक कर रही हैं। हाँ ठीक है भाई लोग, पकौड़ी तल गया और इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा हुआ है। भाई तो सुपर लग रहा है बलता जी। सुपर यार, जैसे लग रहा है मछली का है। चेक कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ कैसा हुआ है बेटी? हुँ? कैसा हुआ है? निक हुआ है। सुंदर। कैसा हुआ है बेटा? ठीक है। ठीक है। सुंदर। ये देखिए 8-10 पकौड़ी निकला, थाली खाली हो गया, अभी फिर से निकलने वाला है। फिर निकाल के इसमें रखिए, फिर थाली हम लोग खाली करें। झगड़ा क्यों करते हो यार, आराम से खाओ ना प्यार से। हैं क्यों झगड़ रहे हो? ये देखिए भाई लोग, बबीता जी पकौड़ी खा रही हैं, थोड़ा टेस्ट बताएंगी, यही बनाई है और यही टेस्ट बताएंगी कैसा है कैसा नहीं है, बताइएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। इधर देखिए हाथ में लेके कैसे खा रही हैं बबीता जी।